बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा है कि 30 जून तक महिलाएं जनधन के निष्क्रिय खातों में केंद्र सरकार द्वारा मार्च अप्रैल और मई महीने में प्रति खाते 5,000-5,000 की दर से भेजी गई कोरोना राहत की राशि की निकासी कर सकेंगी। मोदी ने बताया है कि बिहार की 2 करोड़ और 33 लाख महिलाओं के जनधन खाते में पहली किस्त के तौर पर 1,165 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने यहां कहा है कुछ शिकायतों के बाद बैंक की शाखाओं व ग्राहक सेवा केंद्रों को केंद्र सरकार व RBI ने निष्क्रिय व बिना KYC वाले खातों से भी 30 जून तक राशि की निकासी की छूट देने का निर्देश दे दिया है। बिहार की करीब 60% जनधन खाताधारी महिलाओं ने पहली किस्त की राशि की निकासी कर ली है। बाकी 40% महिलाओं से भी अपील है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी अपने खाते से पैसे निकाल सकती हैं। उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक के 9,180 लाख खातों में भेजी गई राशि, जिसमें से सर्वाधिक 7,032 लाख महिलाएँ हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 2,118 लाख खातों में से 10,061 लाख व सेंट्रल बैंक के 19.57 लाख खातों में से 10.14 लाख महिलाओं ने 20 अप्रैल तक राशि की निकासी कर ली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जनधन खाता आपका शून्य बैलेंस पर खोला गया हो तथा सभी खाताधारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, रुपए कार्ड और बिना किसी बंधक के 10,000 रुपए तक कर्ज लेने की सुविधा भी दी गई है। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो bharatnewshindi.com पर जाकर न्यूज पढ़ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।